गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, हम लोग मैथ सेकंड में वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कल हम लोगों ने वर्कशीट नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वर्कशीट फर्स्ट के, आई होप कि सब बच्चों ने कर लिया होगा। जिसको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग मैथ सेकंड में वर्कशीट सेकंड करेंगे, जो चैप्टर फिफ्थ और चैप्टर थर्ड से आपका होगी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए चैप्टर वर्कशीट सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, दिए गए आकृति में
इसी में था क्वेश्चन जो आपका थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में आपसे बोला गया है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी है, यानी अगर दो बिंदु दिए हैं उनके बीच में कोई एक पॉइंट आपको सी दिया है और इसे दिया है कि एसी जो है वो बीसी के बराबर है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि एसी बराबर वन अपॉन टू एबी, यानी कि जो एसी है पूरी लाइन की आधी है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको फिगर भी बनाना है, फिगर के थ्रू आपको इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं वृत्त की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर टू है, परिभाषित कीजिए करना है, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछा करिए, आप लोग पूछते नहीं है। ठीक है,